अरे यार क्या लग रहा है, वाओ सुपर स्क्रब किया था तब भी बेस्ट रिजल्ट आया था, और इस पैक को हटाने के बाद तो देखो मेरी स्किन कितनी बढ़िया, इतनी स्मूथ लग रही है यार। तो मैं हूँ रेखा सिंह, फिर से शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ही बहुत ही सिंपल रेमेडी जो कि बनी है दूध के साथ में। दूध हर किसी के घर में हमेशा अवेलेबल होता है, चाहे वो पैकेट वाला हो चाहे तबेले वाला हो। दूध आपकी स्किन के ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। स्किन के ऊपर कितना भी कालापन आ गया हो, डेपोजिशन इकट्ठी हो गई हो, आपकी स्किन को ये इम्प्रूव करने के साथ में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करता है। अब क्योंकि हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, भयानक सर्दियां अब शुरू होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी नॉर्थ साइड में रहते हैं उनको पता है कि ठंडी कितनी ज्यादा पड़ रही है, स्किन के ऊपर इतना ज्यादा खिंचावट होगा कि स्किन हमारी फटने को हो जाएगी। गाल जो होते हैं, जो आपने क्रीम नहीं लगाया है और आप सर्दी में बाहर निकल गए हैं, तो आपकी स्किन को एकदम वो ड्राई कर देगा और उसके बाद में क्रैक्स बनेंगे। क्रैक्स बनने के बाद में आपकी स्किन के ऊपर कालापन आ जाएगा जो कि बहुत बुरा लगता है और दर्द भी बहुत होता है। आज का ये जो मिल्क फेशियल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चीज आपको खरीदनी नहीं है, सारी की सारी आपके घर पर रखी है, इसका मैं आपको श्योरिटी दिला देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसमें आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध लीजिए चाहे आप उबला हुआ दूध लीजिए, दोनों दूध चलेंगे। मैं कच्चा दूध इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो सूट करता है, प्लस बॉम्बे में उतनी सर्दी नहीं है, ठीक है, तो मैं कच्चा दूध ले रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी आप उबला हुआ दूध भी इसमें यूज कर सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि वो ठंडा होना चाहिए, गरम गरम दूध तो अपने स्किन पे लगाएंगे नहीं ना, ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें ले लेना है दूध। मैं आपके साथ साथ में ही करूंगी, तो मेरे साथ साथ में आपको भी इसको करना स्टार्ट करना है। चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की रेमेडीज मैं लेके आती हूँ, बहुत सिंपल होती है, घर में रखे हुए सामान से बनती है, तो आपका इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ, मेरे साथ साथ में बताती हूँ, बिना कट के बताती हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे ही आप भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा दूध लेके आई हूँ क्योंकि इसी से ही अब हमें करने हैं स्क्रब भी, और इसी से हम बनाएंगे अपना फेस का पैक भी, ठीक है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा दूध पहले इसमें ले लेती हूँ जो कि हम अपने फेस को क्लीन करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इतना सा आपने दूध लिया, क्लीन करने के लिए आपको लेना है, साथ में मैं इसमें डालूंगी जी नींबू की 2 से 3 ड्रॉप्स। ये क्या करेगा, दूध को फाड़ देगा और उसका जो लैक्टिक एसिड है उसको एक्टिव कर देगा। लैक्टिक एसिड जब एक्टिव होता है तो वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करता है, स्किन को क्लीन करने का, क्लींजिंग करने का। चाहे आपकी स्किन के अंदर कितना भी डीप तक मैल पॉल्यूशन इकट्ठा हो गया हो, ये लैक्टिक एसिड वाला जो दूध होता है ये आपकी स्किन की उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा, साथ में आपके कलर को भी ब्राइटन अप करेगा, काले दाग धब्बों को हटाएगा और बढ़िया वाला टेक्सचर आपकी स्किन को देगा। ये देखिए हल्का सा ये दूध फट गया, आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा, देखिए 2 से 3 आपके ड्रॉप डालनी है खाली, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी अपने हाथ के साथ में ही अप्लाई, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे मसाज करनी है। दूध देखिए व्हाइट कलर का होता है जब आप लेते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं, करते करते में ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी स्किन के ऊपर ही आपको दिखेगा कि कलर जो है हल्का सा ब्राउन हो गया दूध का। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन ने अपना जो कालापन है वो उस दूध को दे दिया, उस दूध ने हमारी स्किन को क्लीन कर दिया, जितना भी डीप तक मैल इकट्ठा हो रखा होगा वो सारा का सारा हट जाएगा, ठीक है जी। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपका कलर अगर फेयर होता है, टेक्सचर अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल भी स्किन के ऊपर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, सबको पसंद आता है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही खाली अपनी स्किन का केयर करती हैं, लड़के भी अपनी स्किन का बहुत ज्यादा केयर करते हैं। देखिए इस तरह से हमें हाथ से ही लगाना है, हमें कुछ नहीं यूज करना है, जितना सिंपल तरीके से हो सकता है मैं उतना सिंपल तरीके से बताती हूँ, इनफैक्ट बिना कट के बता रही हूँ, मैं आपके साथ साथ में कर रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको 2 मिनट की बढ़िया वाली मसाज दे देनी है, ठीक है जी, ये इस तरीके। हाँ, अगर आप जैसे घर से बाहर से कहीं से आए हैं और आपके फेस के ऊपर मेकअप है तो उस मेकअप को एक बार वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद में रेमेडी को करना शुरू करना है आप, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, सिंपल पानी के साथ में क्लीन कर रही हूँ मैं, बिल्कुल भी कुछ इसमें मिक्स नहीं है। ये देखिए सिंपल पानी के साथ में मैं इसको पोंछ लेती हूँ। वॉश करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जो पैक वगैरह हमें बनाना है वो सब का सब दूध के साथ ही बनने वाला है। ये देखिए मेरी स्किन दूध हटने के बाद में भी कैसी लग रही है मेरी स्किन, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से क्लीन हो गया।
मैं सिंपल ये स्पॉन्ज के साथ में करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता है फेस। ठीक है, ये देखिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें आगे दूध ही यूज करना है। अब हमें क्या करना है, इसी में ही अब हम अपने फेस का स्क्रबर तैयार करेंगे। तो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ स्क्रबर के लिए चावल का आटा। देखिए, चावल का आटा क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर जितना भी रफनेस होती है ना स्किन के ऊपर, जो मान लीजिए आपने बहुत दिन से स्क्रब नहीं किया, आपको खुरदुरापन बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डेपोजिशन इकट्ठी हो गई है, डेड स्किन इकट्ठी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको या तो चावल का आटा ले लीजिए अगर आपको लेना है, तो नहीं तो आप कॉफी भी ले सकते हैं, कॉफी भी बहुत अच्छी आपकी स्किन को स्क्रब करती है, नहीं तो आप पिसा हुआ वो ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बताई हूँ मेरा तो फेवरेट है एक्चुअली, बट क्योंकि खांड मैंने अभी दो दिन पहले यूज किया है तो इसलिए मैं चावल का आटा इसमें यूज करी हूँ। ठीक है, दूध उतना ही लीजिएगा जितने में आपका स्क्रबर तैयार हो जाए, एक्स्ट्रा दूध लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसमें कर लेना है, और मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो बेटर होगा कि हाथ से ही करिए, क्योंकि हमें पता होता है कि कितना हमारी स्किन के ऊपर ये लग रहा है और हमारी स्किन स्मूथ हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से आप लगा लीजिए बढ़िया से। ये एक ऐसा पैक है जो आप कभी, ये सॉरी स्क्रबर है जो आप कभी भी लगा सकते हैं, वीक में कम से कम 2 से 3 बार करिए। चावल के आटे की प्रॉपर्टीज होती है आपके चेहरे के रिंकल फाइन लाइंस को कम करने की, आपके कलर को फेयर करने की। चावल किसी ना किसी फॉर्म में आपको अपनी स्किन के ऊपर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन के ऊपर जो झाइयां बनी होती है उनको हटाने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी आपको? ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से अब हम कर लेते हैं बढ़िया से स्क्रब। एक सेकेंड लीजिए, राउंड राउंड सर्कल में करिएगा, जहां पर आपको खुरदुरापन ज्यादा लग रहा है अपनी स्किन के ऊपर वहां पर आपको ज्यादा करना है। ठीक है, जैसे कि नोज के पास में, नाक के पास का जो एरिया होता है ना बहुत खुरदुरा होता है जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाक के पास में आपको ज्यादा मसाज करनी है, लिप्स के पास में आपको ज्यादा मसाज करनी है। ठीक है, और यहाँ पर फॉरहेड का जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये माथे के हमारे जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मसाज करनी है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि कोई भी स्क्रबर हो, आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा स्क्रब नहीं करना अपने चेहरे के ऊपर, नहीं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, तो मैं यही जो पानी है, देखिए पानी ज्यादा यूज नहीं करना है, मैं इतना ही पानी लेके बैठी हूँ, इसी के साथ में बहुत आसानी से हमारा आज का ये फेशियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और स्टेप है जिसमें कि हम पैक बनाएंगे, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी क्रीम, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है तो आपको क्या लगाना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं अपने फेस को, आप ये देखिए, वाओ, अरे यार क्या लग रहा है। मैंने बहुत दिन बाद एक्चुअली चावल का स्क्रबर अपने फेस के ऊपर यूज किया है, तो इसका तो रिजल्ट कितना अच्छा आया। मैं एक्चुअली खांड ज्यादातर यूज करती हूँ मेरी स्किन के लिए, मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसा लगता है ना जैसे अंडे वाली स्किन होती है ना, जब आप अंडा बॉयल करते हैं उसके बाद उसका स्किन उतारते हैं, कितना स्मूथ, कितना शाइनी आ जाती है। ये देखिए, देखिए घर के जो रेमेडीज होती है ना उनका रिजल्ट आपको तुरंत तुरंत दिखता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो आपने मार्केट से खरीदी होती है। कितना बढ़िया है, बहुत ज्यादा आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में फेशियल करके हटेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पोंछ लेते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। अच्छा, मैंने दे दिया शायद ऑप्शन आपको, क्योंकि क्या होता है जब हम बिना कट के वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम शुरू में दिए कि नहीं दिए। अगर मैं दे दी हूँ तो भी ठीक है, नहीं दी हूँ तो भी सुन लीजिए, कॉफी यूज कर सकते हैं, खांड यूज कर सकते हैं, मसूर दाल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अलग से एक बाउल लेना है और इसमें आपको लेना है जी आटा। सिंपल घर की चीजें हैं वही मैं यूज करती हूँ। हमें लेना है सिंपल आटा, जो जिसकी कि आप रोटियां खाते हैं। अगर आपको आटा सूट करता है आप आटा ले लीजिए, अगर नहीं सूट करता है तो इसकी जगह पे आप बेसन भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको ज्यादा भी ले सकते हैं। किचन की हल्दी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पिंच ही डालनी है। मेरे पास कस्तूरी हल्दी है तो मैं थोड़ी सी उसको एड ऑन ज्यादा भी कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने ले लिया आटा और साथ में हमने ले ली है हल्दी। ठीक है जी, आटा क्या करता है, आटा आपकी स्किन के ऊपर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उसको रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करता है, एक्ने के ऊपर काम करता है। स्किन के ऊपर अगर इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, आपको ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है, तो आटा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी स्किन को काम करने का। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आटा ले लेना है, हींग लगे ना फिट करी रंग भी आए चोखा वाली बातें हैं जी, घर में रखी हुई चीजें ही हमारे बहुत यूज की होती है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे दूध। ठीक है, दूध आपको उतना मिलाना है जितने कि ये एक मोटा सा पेस्ट बने, हमें इसको पतला नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है जी,
इस तरीके से हम बना लेते हैं। देखिए अभी ये गाढ़ा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। इसमें लास्ट में एक चीज और डलेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। वो डाले बिना आपको ये रेमेडी नहीं करनी है, मतलब क्योंकि अभी ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी, तो आपको वो जो लास्ट में चीज डालू वो आपको डालनी ही डालनी है। चाहे वो आपको ऐसा लगे कि अरे यार मेरी तो स्किन ऑयली है, मैं कैसे इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन आपको उसको डालना ही है। सर्दियां हैं, आपको ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर जरूर यूज करना चाहिए। मैं बात करी हूँ ऑयल की, चाहे आपके पास कोई भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है वो भी चलेगा, एलमंड ऑयल है वो भी चलेगा, आपके पास विटामिन ई ऑयल है वो भी चलेगा, सेसमे ऑयल है वो भी चलेगा, ठीक है। बस मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं लेना है। मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा चमक देगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, आपके एजिंग के ऊपर काम करेगा। जो ऑयल्स होते हैं वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखते हैं, बढ़ाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करके रिवर्स एज करते हैं हमारी एज को, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर जरूर करना चाहिए। आपने कभी देखा है ड्राई स्किन होती है कितनी ज्यादा खुरदुरी लगती है, कितनी ज्यादा ऐसा लगता है कितनी ज्यादा एज है उस बंदी की। वही अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा शाइन करी है, चाहे ऑयली उसके फेस पे, तो भी उसकी स्किन हेल्दी लगेगी। क्यों? यही सब कमाल होता है, हमारी स्किन हाइड्रेट लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक कैप्सूल डाल रही हूँ विटामिन ई का, आप इसकी जगह पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए मैं ये कैप्सूल खाती भी हूँ, तो प्लीज ये मत अभी क्वेश्चन करने लगना कि दी आपने इसको दांतों से ही काटा, अनहाइजीन है, ये है वो है। तो प्लीज मैं विटामिन ई का कैप्सूल कंज्यूम भी करती हूँ वीक में 2 से 3 बार, ठीक है। मैं मेरे बच्चों को भी देती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को अंदर से हील करता है, हमारी बॉडी को अंदर से भी तंदुरुस्त रखता है। अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आपको कंज्यूम करना है, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से कितना शाइनी सा ये पैक बन के तैयार है, तक गोल्डन पैक है। या 200-300 से कम का तो आपको ये पैक नहीं मिलेगा, जो हम घर पर बहुत इसीलिए मुझे तो लगता है पैसे भी कुछ नहीं खर्च हुए। ये देखिए इस तरीके से अब हम ले लेते हैं और इसको लगा लेते हैं। सिंपल तरीका है लगाने का, कोई इसमें माथा पच्ची नहीं है। मुझे हाथ से कंफर्टेबल लगता है लगाना अपने पैक को, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ब्रश के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको लगाना है बढ़िया से, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, अगर अपनी स्किन को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं जी। पहले के लोग क्या करते थे, कोई पार्लर उठ के जाते थे, नहीं जी वो घर की चीजें ही लगाते थे। आप अपनी मम्मी को, अपनी दादियों को, चाचियों को देख लो, जो पहले के काफी एजिड हो गए, उनकी स्किन आज भी कितनी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी की स्किन इतनी अच्छी थी भाई, मेरी सासू माँ की स्किन इतनी अच्छी थी, वो क्या पार्लर जाते थे, पार्लर का कभी मुंह भी नहीं देखे वो लोग, कितनी अच्छी स्किन हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि घर की चीजें लगाते थे, और हमें भी यही सिखाया यार, मेरी मम्मी ने मेरे को यही सिखाया, मेरी सासू माँ ने मुझे यही सिखाया है भाई। तो क्या करें, घर की चीजें ज्यादा यूज करें। बाकी ये है कि हाँ, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप मार्केट की चीजों का बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आजकल तो टाइम ही चेंज हो गया, आपको करना ही पड़ेगा। कहीं बाहर आते जाते हैं, मान लो आप वहां पे नहीं कर पाए DIY, तो क्या करेंगे, लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी स्किन को आप हमेशा के लिए DIY पे डिपेंड कर दें, कुछ ना कुछ आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जरूर खरीदना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया, अब हमें कुछ भी मसाज नहीं करनी है, ये आप सुन लीजिए ध्यान से, आपको मसाज नहीं करनी है। ये पैक है, इसको पैक की तरह ही आपको लगाना है और उसको सुखाना है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। सुनीता का क्वेश्चन आया था कि दी मेरी स्किन के ऊपर आटा नहीं सूट करता है, मुझे पिंपल निकल आते हैं। ये क्योंकि लेटेस्ट आया था तो मुझे याद रह गया। सुनीता जी, अगर आपको आटा सूट नहीं करता है तो आप इस पैक को, जब भी आप आटा यूज करते हैं तो उसको आप पूरी तरह से सुखाया मत किया कीजिए प्लीज, ठीक है। आप उसको सेमी ड्राई होने तक रखिए और उसके बाद में वॉश कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब पूरी तरह से आटा सूख जाता है तो हमारी स्किन के ऊपर वो अपनी पकड़ बना लेता है, और जब हम उसको हटाते हैं तो वो खिंचता है, खिंचने से हमारी स्किन के जो रोए हैं वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल आ जाते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा प्लीज। और दूसरी चीज ये कि इसके बाद में मैं आपको क्रीम बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो पे बने रहना है। वीडियो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो भी चलेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड अच्छे से होना चाहिए, ठीक है जी। मैं भी मेरी स्किन के ऊपर ही कर रही हूँ, रिजल्ट आपको दिखाने के लिए ही कर रही हूँ, तो अच्छा रहेगा कि इसको देखे बिना आप नहीं जाना, ठीक है। लास्ट का आपने जरूर देखना है। मैं इसको सेमी ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, तब तक मैं पॉज कर रही हूँ, स्टॉप नहीं कर रही हूँ, क्लीन करती हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया सा रिजल्ट आया है। अरे यार क्या लग रहा है, वाओ सुपर। स्क्रब किया था तब भी बेस्ट रिजल्ट आया था, और इस पैक को हटाने के बाद तो देखो मेरी स्किन कितनी बढ़िया, इतनी स्मूथ लग रही है यार। 2000 की आप क्रीम्स लगा लो और उसके बाद में DIY करके देख लो, आपको रिजल्ट साफ पता चलेगा, डिफरेंस साफ पता चलेगा DIY के। कमाल, ये देखो क्या लग रही है मेरी स्किन, सुपर लग रही है भैया, मजा आ गया।
आज तो फिर से मुझे मजा आ गया, मैंने बहुत दिन बाद मिल्क फेशियल किया है। एक्चुअली क्या होता है ना, हर रेमेडी को करने का एक टाइम होता है और मैंने ये बनाया हुआ है। मैं थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर अपनी रेमेडीज को उसी हिसाब से करती हूँ। देखिए क्या लग रही है यार, आप जरूर करिए दोस्तों, प्लीज इसको मेरे कहने के ऊपर एक बार जरूर करके देखिए। दूध का फेशियल आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्रीम, लेकिन उसके पहले मैं एक बार अपना फेस अब वॉश करके आती हूँ। ये देखिए मैं अपना फेस वॉश करके आ गई, कैसा लग रहा है, एकदम क्लीन हो गया फेस, है ना। ये देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है। शुरू का क्लिपिंग आप जरूर देखा कीजिए, जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आप शुरू में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे, आपको डिफरेंस अपना समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। इसकी 2 से 3 बूंदे आप ले लीजिए अपने हाथ पर। ये मैं आपको क्रीम बता रही हूँ किस प्रकार से आपको तैयार करनी है क्रीम अपनी स्किन के लिए। स्किन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा आपको ड्राइनेस रहती है पैक लगाने के बाद में या फेशियल करने के बाद में, अगर आपको अपनी स्किन के ऊपर थोड़ी सी भी ड्राइनेस लगती है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से विटामिन ई का ऑयल ले लेना है। चाहे कोई भी ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, विटामिन ई ले लीजिए, एलमंड ऑयल ले लीजिए, इन तीनों में से, ठीक है। साथ में आपने लेना है एलोवेरा जेल, कोई भी हो, कोई भी हो, एजिंग के लिए हो, चाहे नॉर्मल एलोवेरा हो, चाहे आप कुकम्बर जेल ले लो, मतलब जेल होना चाहिए, ठीक है। मैं हाथ के साथ ही करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतना सा एलोवेरा लिया अपने हाथ पे और इसके साथ में हमने इसको ले लिया, ठीक है जी। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, ये रोज का काम करना है आपने, रात को रोज सोने से पहले। ये देखिए ठीक है, हाथ पे लगा लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर पूरी तरह से पहले आपको लगाना है इसको, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको करनी है एक बढ़िया सी मसाज अपने चेहरे के ऊपर। ये एजिंग की मसाज होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस होके लीजिएगा, सीरियस होके कीजिएगा, ठीक है जी। सारे स्टेप ऊपर की डायरेक्शन में जाने चाहिए, नीचे से ऊपर, ऐसे करके पहले नीचे फिर ऊपर। यहां पर आपको जरूर करना है, ये जो आपकी बोन होती है ना, चिक बोन, यहां पर आपको जरूर करना है, क्योंकि लाइन्स यही से ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको करना कब है, रात को सोने से पहले रोज, ठीक है। आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रात को सोने से पहले करना है आपको। आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं, आंखों के आसपास जरूर लगाइए। अगर आपकी आंखों की स्किन बहुत ज्यादा ढलक रही है, आंखों के आसपास रिंकल्स फाइन लाइन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, पफिनेस ज्यादा है, डार्क सर्कल ज्यादा है, तो एलोवेरा के और विटामिन ई के गुण होते हैं हमारी स्किन के कालेपन को हटाने के, हमारी स्किन के डार्क सर्कल्स को हटाने के, ठीक है जी। ये आप अपने हाथों पैरों के लिए भी बना के रख सकते हैं क्रीम को, बहुत बढ़िया क्रीम है। मैंने ऑलरेडी बहुत बार इस क्रीम को बनाया है और आप लोग के साथ शेयर किया है, ठीक है जी। तो जाके आप प्लीज चेकआउट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट जो आती है ना, 4 हमारी लास्ट में प्लेलिस्ट होती है, उनको आप एक बार जाके चेकआउट करेंगे, आपको आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। एलोवेरा जेल कोई भी खरीद लीजिए, मेरे पास डॉक्टर अशील का है, आप ले सकते हैं कोई भी। बाकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी काफी सारे, आप वहां से जाके भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आशा करती हूँ आप इस रेमेडी को मेरे साथ साथ में किए होंगे और रिजल्ट भी मेरे साथ साथ में आपको मेरे जैसे ही मिला होगा। जैसा भी रिजल्ट आया मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। फॉलो कर सकते हैं मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी, अगर आपको छोटी मतलब कम टाइम वाली रेमेडीज चाहिए, मतलब रील्स में अंदर रेमेडीज चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्लॉगिंग चैनल, अगर व्लॉग वीडियोस पसंद करते हैं तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे डेली रूटीन, ठीक है जी। रेखा सिंह लाइव व्लॉग चैनल का नाम है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे फिर से किसी और बढ़िया सी वीडियो में, जहां पर शेयर करूंगी फिर से एक सिंपल सी होम रेमेडी, घरेलू उपाय। Bye, take care, see you.